अगर आप एक YouTube क्रिएटर हैं और आप अपनी वीडियोज़ के लिए थंबनेल भी बनाते होंगे, बहुत ही तरीक़ों से, वो कोई मोबाइल ऑप्स किसी मोबाइल ऐप से या फिर किसी और सॉफ्टवेयर से आप अपने थंबनेल को बनाते होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने स्मार्टफोन से एक बेहतरीन थंबनेल बनाएं, यानी कि एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है पिक्सल लैब, पिक्सल लैब के थ्रू आप अपने मोबाइल में बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छे तरीके से थंबनेल बना सकते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। अगर आप पिक्सल लैब के बारे में पहले जानते हैं तब तो कोई बात ही नहीं है। वैसे लोग जिनको पिक्सल लैब के बारे में कुछ पता नहीं, यानी कि उसके बेसिक स्टेप्स क्या है, उसमें थंबनेल बनाने का तरीका क्या है, सारे स्टेप क्या है, सारे प्रोसीजर क्या है, तो यही सारी चीज आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है निशांत कुमार, आप देख रहे हैं सीखो कंप्यूटर एंड टेक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जाती रहे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पिक्सल लैब आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगी, उसमें किसी तरह का वाटरमार्क भी अवेलेबल नहीं होता है। आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर के पिक्सल लैब सर्च करके वहाँ से आप पिक्सल लैब ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। अब पिक्सल लैब में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसमें फॉन्ट्स से लेकर पिक्चर, बैकग्राउंड पिक्चर, उसमें और एक्स्ट्रा इमेज कैसे ऐड करेंगे, टेक्स्ट कैसे लिखना है, बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, रेजोल्यूशन से लेकर कलर्स, बैकग्राउंड, मतलब सारी चीज़ें उसमें अवेलेबल है। इस ऐप के थ्रू अपने वीडियोज़ के लिए थंबनेल या फिर अपने फेसबुक के लिए कोई फेसबुक पेज के लिए कोई इमेज या फिर अपने यूट्यूब चैनल के लिए जो चैनल आर्ट का इमेज बनाया जाता है, इस तरह की सारी चीज़ें आप बना सकते हो। इस तरह की सारी चीज़ें उसके अंदर दी हुई हैं, बहुत से मटेरियल्स उसके अंदर भरे पड़े हैं जिनका यूज करके आप बहुत ही बेहतरीन थंबनेल बना सकते हैं। तो ये थंबनेल बनाने का प्रोसेस क्या है, उसके बेसिक स्टेप्स क्या हैं, यही सारी चीज़ें हम वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सारी चीज़ें एक स्टेप बाई स्टेप बिल्कुल ही सरल तरीके से सारी चीज़ें सीखते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, पिक्सल लैब अपने मोबाइल के अंदर ओपन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या करना है, जब ये ओपन हो जाएगा इसका सरफेस आपको इस तरीके से ही दिखेगा, ठीक है। तो देखिए आपको इसको डिफ़ॉल्ट ही ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक है, डिफ़ॉल्ट छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पर टच करना है, ठीक है। यहाँ पर टच करेंगे तो यहाँ पर देखिए इमेज साइज़ का एक ऑप्शन दिख रहा होता है, इमेज साइज़ वाले ऑप्शन पर हमें टच करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब कस्टम यहाँ पर है तो यहाँ पर टच करेंगे तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ सारी चीज़ें, स्क्वायर प्रोफाइल पिक्चर के लिए चाहिए, यूट्यूब चैनल का बैनर बनाना है आपको या फिर यूट्यूब थंबनेल बनाना है, फेसबुक कवर आर्ट बनाना है, सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं, ठीक है। तो हमें क्या बनाना है, हमें यूट्यूब थंबनेल बनाना है, तो इस पर टच करेंगे, ठीक है। तो उसका देखिए, उसका विड्थ और हाइट यहाँ पर दे रहा है 1280x720, ठीक है। तो यहाँ पर ओके प्रेस करेंगे। अब हमारा ये क्या है, यूट्यूब के थंबनेल के लिए उसका सरफेस सिलेक्ट हो चुका है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि हमें बैकग्राउंड चाहिए, यानी कि बैकग्राउंड ये जो दिख रहा है ये तो ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके मोबाइल में कोई पिक्चर अवेलेबल है उसको आप बैकग्राउंड में लगाना चाहते हैं, यहाँ पे इमेज, ये जो इमेज वाला ऑप्शन है इस पर सिंपल से टच करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहले इसमें ये सारी इमेज आपके मोबाइल के अंदर, मतलब कि पिक्सल ऐप के अंदर ही ये सारी दी हुई है। अगर इनमें से भी आप चाहें तो आप कोई भी पिक्चर बैकग्राउंड में लगा सकते हैं। अगर नहीं, इनमें से कोई नहीं चाहिए, आपको कोई और चाहिए, तो क्या करना है आपको, फ्रॉम गैलरी के यहाँ पर ऑप्शन है, फ्रॉम गैलरी वाले पे टच करेंगे। जैसे हम टच करेंगे देखिए आपके गैलरी खुल जाएगी, उसमें से भी अगर कोई इमेज आपको चाहिए, उसमें से कोई इमेज को आपको अपने बैकग्राउंड में लगाना है तो उसे भी हम सिलेक्ट करके लगा सकते हैं, ठीक है। सपोज कीजिए कि मैंने ये पिक्चर ले लिया, अब देखिए हमारे यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आप उसके अपने पिक्चर के अकॉर्डिंग क्रॉप भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अगर क्रॉप नहीं करना है, जितना साइज है उतना ही लेना है, तो यहाँ पर सिंपल टच कर देंगे और देन टिक मार्क वाले ऑप्शन पर ओके कर देंगे। देखिए हमारा पिक्चर आ गया, ठीक है, इस तरह से ये आ गया। अब ये तो हमारा बैकग्राउंड हो गया, लेकिन अब इसके ऊपर क्या होता क्या है कि अगर आपकी फ़ोटो चाहिए, यानी कि आपकी तस्वीर चाहिए या फिर किसी और तरीके के कोई इमेज आपको लगानी है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ प्लस वाले ऑप्शन पे टच करना है। उसके बाद फ्रॉम गैलरी का एक ऑप्शन आपको आ रहा होगा, फ्रॉम गैलरी वाले पर टच करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपने अपने मोबाइल में कहाँ पर आप अपनी खुद की तस्वीर आपने रखी हुई है, वहाँ से आपको खुद की तस्वीर ले लेनी है, वहाँ से आप अपनी पिक्चर वहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उस पिक्चर आप जो लगाते हो उसका अगर बैकग्राउंड इरेज रहेगा तो वो बहुत अच्छा लगता है। तो अगर बैकग्राउंड इरेजर है आपके मोबाइल में अवेलेबल है तो वहाँ से आप पिक्चर को इरेज करके वो इमेज लगा, ठीक है। मैंने ये इरेज करके ऑलरेडी रखा हुआ है, इसको यहाँ पर टैप किया, देखिए हमारा आ गया। अब इस इमेज को क्या करना है, आप इसको कितना हाइट रखना चाहते हैं थंबनेल के अकॉर्डिंग, यहाँ से ऐसे करेंगे, यहाँ से इसको ड्रैग करेंगे या फिर इस तरीके से करेंगे तो ये इमेज छोटा बड़ा होगा। तो आपको देख लेना कि आपको इमेज कितना बड़ा चाहिए और किस कॉर्नर पे चाहिए, कहाँ पे चाहिए, वहाँ पे जहाँ पे आप इसको करके एक बार ले जा करके छोड़ देंगे वो इमेज वहीं पे रह जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने ये पिक्चर सपोज कीजिए कि यहाँ पे लगा, यहाँ पे नहीं, इसको यहाँ पे हटा के देखिए मैंने ये पिक्चर यहाँ पे लगाई, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से लगाई। अब ठीक है, अब हमारा ये पिक्चर सिलेक्ट है, ठीक है। पिक्चर जब सिलेक्ट है तो होता क्या है, ये जो ऑप्शन बगल वाला दिख रहा है यहाँ पे, इस पर टच करेंगे हम। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारा हमारे पास ऑप्शन आता है, इस पिक्चर को हम चाहे तो क्रॉप कर सकते हैं, अगर ये पिक्चर अच्छी नहीं लग रही है तो यहाँ पे डिलीट बटन पे टच करके इसको डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। अब इस तरह से इधर आएंगे हम, इसकी पोजीशन आप कहाँ पर लगाना चाहते हैं वो पोजीशन भी, तो पोजीशन हमारा सिलेक्ट है, इसके लिए कुछ करना नहीं है, ज़्यादा चीज़ें बहुत इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं बट मैं बेसिक चीज़ आपको बता रहा हूँ और आप यूज करते करते सीख जाएंगे, ठीक है।
तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये स्ट्रोक लिखा हुआ है, स्ट्रोक पे क्लिक करेंगे और जैसे ही यहाँ पे इनेबल करेंगे इसको, देखिए इसके इसके चारों तरफ कॉर्नर पे वाइट आ गया। आपको बहुत सारे वीडियोस थंबनेल में देखते होंगे कि इस तरीके से चारों तरफ वाइट का वो जो लाइनिंग आ जाता है, तो ये लाइनिंग आप अपने थंबनेल में कैसे लाएंगे ये भी चीज़ आप देख लीजिए। तो अगर ये वाइट कलर है, ठीक है, आप चाहे तो इसका चेंज भी यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हो, रेड कर सकते हो, ब्लैक कर सकते हो, वाइट कर सकते हो, तो आपको जो अच्छा लगे अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो अधिकतर में तो आपको वाइट ही दिखता होगा, अधिकतर थंबनेल्स के ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। अब ये वाइट जो शेडो, ये जो वाइट लाइनिंग दिख रही है, इसको और अभी आप यहाँ से बढ़ा सकते हो, आपको जितना चाहिए उतना बढ़ा सकते हो, ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और जैसे ही ये हो जाएगा तो यहाँ पे टिक मार्क पे कर देना है, बस वो हमारा वाइट हो गया, ठीक है। अब इरेजर है, अगर कोई चीज़ मिटा कोई चीज़ किसी चीज़ को इरेज करना है तो ये इरेजर पर करके हम इरेज करेंगे। चलिए यहाँ से फिर से हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3D वाली चीज़ें भी देते हैं, इन चीज़ों को यहाँ पे टच करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए शेडो, शेडो पे क्या होगा, देखिए इस जो हमारा पिक्चर है इसके बैकग्राउंड में देखिए क्या क्या होगा, जैसे हम टच करेंगे इसके बैकग्राउंड में शेडो आएगा। अब उसका शेडो भी देखिए वाइट आ गया, रेड भी हो जाएगा, येलो भी हो जाएगा। तो कलर आप सेलेक्ट कर लेंगे, कौन सा कलर आपको थंबनेल के अकॉर्डिंग सूट करता है उसको रहने देना है, फिर यहाँ पे टिक मार्क पे टच कर देना है, ठीक है। अब इनर शेडो, तो मतलब अब इनर शेडो भी दिया हुआ है, इसको भी इनेबल करके देख सकते थे, देखिए थोड़ा सा चेंजिंग आ गया, ठीक है। तो सारी चीज़ें दी हुई हैं, आपको बस थोड़ा थोड़ा देख लेना है कि कौन सा अच्छा लग रहा है, कौन सा सूटेबल लग रहा है, ठीक है, आपके थंबनेल के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे देखिए हमारा एक पास एक ऑप्शन है इम्बोस, इसको इनेबल करते हैं, देखिए क्या होता है। देखिए यहाँ पे जो पिक्चर है हमारा उसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा लाइट आ गया, तो ये आपको देख लेना कि अगर ये आपको अच्छा लगता है आपके थंबनेल के अकॉर्डिंग तो इसे रखें, नहीं तो ऐसे करके छोड़ दें, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। अब ये तो हो गई, हमने यहाँ पिक्चर पे जो करना था वो सारी चीज़ें कर ली, ठीक है। उसके बाद हमें टेक्स्ट लिखना है, यानी कि जो हम जब थंबनेल बनाएंगे तो थंबनेल में तो कुछ टेक्स्ट तो लिखना ही होगा हमें, तो यहाँ पे टेक्स्ट वाला ये ऑप्शन पहले से ही आपको रहेगा, यहाँ पे इसके अंदर डबल टैप करना है तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसको हम मिटा के इसके ऊपर जो भी चीज़ें लिख ली हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। सपोज़ कि मैंने लिखा कंप्यूटर, ठीक है, अब यहाँ पे ओके प्रेस किया, अब ये हमारा कंप्यूटर आ गया, ठीक है। तो इसका इसको हम आप चाहो तो इसका एंगल चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ से टच करके इसका एंगल आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे तो दी हैं, बट यहाँ पे ये टेक्स्ट वाले ये ऑप्शन इस पर टच करेंगे। अब यहाँ पे इस तरीके से स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे देखिए साइज, यानी कि आप चाहें तो अपने टेक्स्ट का साइज बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। इस तरीके से इसका साइज बढ़ रहा है यहाँ पे, और इस तरीके से करने पर ये कम हो रहा है, ठीक है। अब टिक मार्क कर देंगे, अब नेक्स्ट यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे इसका कलर, यानी कि अगर आप चाहते हैं तो ये जो टेक्स्ट है उसका कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, आपको जो कलर चाहिए। या देखिए सेकंड ऑप्शन है ग्रेडियंट, इसमें दो दो कलर मिक्स करके दिए हुए रहते हैं, ठीक है, जिसका भी यूज आप कर सकते हो, आपको जो अच्छा लगे उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। अब टिक मार्क कर देंगे, ठीक। यहाँ पे देखिए एक और ऑप्शन है पैडिंग, इस पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा जो वर्ड्स है वो अपने बॉक्स के अंदर इधर उधर हो जाएगा, उसका बॉक्स का जो साइज है वो रिसाइज होता है, ठीक है। तो अब यहाँ से टेक्सचर है, यानी कि कोई इमेज अगर हम लेंगे तो उस वही इमेज ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसके अंदर वो इमेज दिखाई देगा, ठीक है। जैसे सपोज कि हमने टच किया और हमने ये इमेज चूज किया, ठीक है, डन किया, तो देखिए इसके अंदर वही इमेज दिखने लगा। तो इस तरीके से इसका यूज किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर फॉन्ट है, ये फॉन्ट है, फॉन्ट पर टच करेंगे तो देखिए बहुत सारे फॉन्ट्स दिए हुए हैं, तो आपने जो वर्ड लिखा है कौन सा फॉन्ट उसका आपके थंबनेल के अकॉर्डिंग अच्छा लगेगा आपको देख लेना और उसको ओके करके सेलेक्ट करना। मैंने ये सिलेक्ट किया, देखिए ये इस तरीके से हमारा कंप्यूटर हो गया, ठीक है। अभी आप चाहो तो इसको बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, ठीक है। तो पहले देख लेना है, सारी चीज़ें लगाने की जरूरत नहीं है, थंबनेल के अकॉर्डिंग जो चीज़ें अच्छी लगे वही करनी है, ठीक है। अब क्या करेंगे, टेक्स्ट अगर जो आपने लिखा इसका अगर बैकग्राउंड लगाना है तो यहाँ पर टच करेंगे, यहाँ पर इनेबल करेंगे, देखिए बैकग्राउंड आ गया। अब बैकग्राउंड में आपको कौन सा कलर रखना है वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, या फिर ग्रेडियंट करेंगे तो यहाँ पे भी फिर से डबल कलर वाले सारे बैकग्राउंड अवेलेबल हैं, तो आपको जो अच्छा लग रहा है वो आप लगा सकते हो, फिर यहाँ पे टच कर देंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखिए, अब इसमें भी स्ट्रोक दिया हुआ है, स्ट्रोक पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर टच करेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से इसका सरफेस हो गया, कुछ उसमें चेंजिंग आए गए हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, देखिए। तो आपको जो अच्छा लगे अपने अकॉर्डिंग चूज करते रहना है और वही सिलेक्ट करके रखना है, फिर हम टिक मार्क कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें भी शेडो दिए हुए हैं, जिस तरीके से हमने इसमें शेडो लगाया था उस तरीके से इसमें भी देखिए शेडो दिया हुआ है, तो हमने इसे शेडो कर दिया, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें कर दी, इसमें इम्बॉस 3D टेक्स्ट भी है, यानी जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसे आप चाहो तो वो 3D में हो सकता है, देखिए 3D में हो गया, और उस 3D का जो टेक्स्ट है उसको हम बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें अपने से देख लेनी है कि कौन सी किस तरीके से आपके थंबनेल के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें सेट कर रही हैं, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें हैं। लास्ट में कुछ और चीज़ें दी हुई हैं करने के लिए, बट अगर आप इतनी सारी चीज़ें कर लोगे तो आपका एक कम्प्लीटली थंबनेल तैयार हो जाएगा। सपोज़ कीजिए कि मैंने ये लिखा है, लेकिन अगर इसके एक चीज़ और कि ये चीज़ इतनी लिखी हुई है, इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा टेक्स्ट की ज़रूरत है, तो फिर यहाँ पर टच करेंगे, टेक्स्ट पर टच करेंगे। अब यहाँ पर हमारा टेक्स्ट आ गया, ठीक है। यहाँ पर डबल टैप करके फिर से कुछ भी और लिखना है तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हो, देन ओके प्रेस कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आ गया इस तरीके से, तो ये भी इसका स्टेप भी वही है। तो इस तरीके से आप एक परफेक्ट थंबनेल बना सकते हो। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर टच करेंगे, सिंपल से सेव एज इमेज पे टच करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आ गया, तो सेव टू गैलरी का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, तो सेव टू गैलरी वाले ऑप्शन पर टच कर देंगे, ठीक है। जैसे हम इस पर टच करेंगे तो हमारा थंबनेल तैयार हो गया, ये थंबनेल हमारे मोबाइल के अंदर सेव हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।